हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब यहाँ सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार करेंगे, कर रहे थे ना। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी वजह थी जिसके वजह से इंस्टाग्राम पर वी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद वी काफी ज्यादा वायरल होने लगे आर्मी के बीच में। एंड आर्मी के बीच में काफी सारी क्यूरियोसिटी होने लगी कि आखिर किम तहान ने अपना रिसेंट वाला पोस्ट डिलीट क्यों किया, जिसमें उन्होंने अपने फेवरेट स्टार यानी उनके डांस मूव को वो हमेशा कॉपी करते रहते हैं, उन्हीं के ही वीडियोस को उन्होंने डिलीट क्यों किया, उसके पीछे क्या लॉजिक है एंड बहुत सारी चीज़ें। इंटरेस्टिंग से फन फैक्ट्स मैं आपको किम तहान के बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगी। आई होप कि आप एंड तक डेफिनेटली बने रहेंगे। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अभी रिसेंटली किम तहान ने एक पोस्ट शेयर किया था जिसको उन्होंने डिलीट कर दिया। एंड इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये पोस्ट उनका सबसे कम लाइक्स पाने वाला भी पोस्ट बन चुका है, जो कि अब तक के रिकॉर्ड में उन्होंने कभी नहीं पाया था। ऑब्वियस ही बात है, जब वो इतने कम सेकंड में ही अगर पोस्ट को डिलीट कर देंगे तो वो क्या होगा। किम तहान ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद आर्मी के बीच में फिर से ये बातें होने लगी कि आखिर किम तहान ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने ये दिखाया था कि मैं जिसका बड़ा फ़ैन हूँ, यानी कि उनके वीडियोज़ को देखकर मैं उनके डांस मूव्स को बहुत ज़्यादा, आप वीडियो में देखते ही होंगे कि किम तहान इसको फॉलो करते हैं एंड इसकी कॉपी करते हैं। तो आखिर उन्होंने जब ये इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर किया तो उसके बाद कुछ ही टाइम बाद उन्होंने उसे डिलीट क्यों कर दिया। सो जिस वीडियो को किम तहान ने, यानी कि जिस पोस्ट को किम तहान ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, उनके डांस मूव्स को किम तहान बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं एंड आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि वो इस डांस मूव को बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं। जब भी उनको मौका मिलता है तो इसको कॉपी करके वो डांस करते ही हैं, एंजॉय करते हैं। बट ऐसा क्या हो गया कि उनको ये चीज़ें डिलीट करनी पड़ी? एंड तब से आर्मी के बीच में यही क्यूरियोसिटी है कि आखिर क्या हो गया ऐसा कि उन्होंने ये डिलीट कर दिया, वाई वाई वाई। एंड जिस डांस मूव्स को किम तहान ने शेयर किया था, ये कहा जाता है कि वी का सिग्नेचर डांस मूव है, यानी कि ये हर वीडियो में वी यूज़ करते ही करते हैं। किम तहान के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं तो आप इनको ये मूव्स करते हुए हर एक वीडियो में कभी ना कभी देख ही लेते होंगे, है ना। एंड किम तहान ने इस वीडियो में लेट हांगकांग सिंगर एंड एक्टर लेस्ली चेंग को शो किया था, यानी कि अगर आपको इनका नाम नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि इनका नाम है लेस्ली चंग, जो अभी इस दुनिया में नहीं है एंड ये काफ़ी फेमस हांगकांग सिंगर एंड राइटर रह चुके हैं अपने टाइम में, यानी कि 90s के टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस थे हांगकांग में भी एंड साउथ कोरिया में भी इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता था। एंड किम तहान के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपके साथ शेयर कर दूँ कि किम तहान को हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक आपको तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं किम तहान को कि ये पसंद है ये पसंद है, बट उसके साथ साथ जो भी चीज़ें 90s की हैं 80s की हैं उनको भी किम तहान बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। सो दैट्स व्हाई उन्होंने ये वीडियो शेयर किया था अपने आर्मी के बीच में, ताकि वो उन्हें दिखा सके कि देखो यही है जिनसे मैं इंस्पायर हूँ एंड जो भी मेरा सिग्नेचर पोज आप देखते हैं, सिग्नेचर डांस मूव्स आप देखते हैं, मेरे हर एक वीडियो में देखने को आपको मिल ही जाता है, वो उन्हीं से इंस्पायर है। बट सडनली ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने उस वीडियो को ही डिलीट कर दिया? एंड जब आर्मी ने ये सारी चीज़ें नोटिस की तो उनका ये मानना है कि शायद किम तहान दिखाना ना चाहते हों, बट अगर ऐसा होता तो किम तहान उस चीज़ को शेयर भी नहीं करते। बट बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जैसे कि एज ऑलरेडी नो दैट कि वो एक फेमस सेलिब्रिटी बन चुके हैं इस टाइम पर, तो उनके हर एक स्टेप को आर्मी देखती है, फॉलो करती है एंड क्या वजह है ये तो सिर्फ और सिर्फ किम तहान ही जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बट बहुत सारे लोग जो एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, यानी कि कुछ हमारी आर्मी है जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, उनका ये मानना है कि इनसे मे बी उनका इमेज उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बनता, क्योंकि उसमें जैसे उन्होंने कपड़े पहने हुए थे जिनका उन्होंने शो किया था वीडियो एंड बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो काफ़ी सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, ज़्यादा वो शो नहीं कर सकते वरना उनके इमेज पे भी वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो देखो BTS को काफ़ी हद तक सोच समझ के जो भी वो काम करते हैं उनको करना पड़ता है, क्योंकि जैसे हेटर्स होते हैं ना कुछ कहीं का कहीं जोड़ कर वो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि वो BTS को हमेशा नीचा दिखा सके। सो मे भी कुछ होगा वजह जिसके वजह से उनको, या फिर मोस्ट ऑफ मुझे क्या लगता है कि मे बी बिग हिट का ये होगा कि तुम इसे ना ही शो करो तो ज़्यादा बेटर है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर। दैट्स वाई बिग हिट के कहने पर ही किम तहान ने वो चीज़ें डिलीट कर दी हो, बट मुझे भी उतना खास नहीं लगता कि ये वजह हो सकती हैं, क्योंकि किम तहान ने खुद ही ये चीज़ें रिवील की हैं कि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनता नहीं हूँ बिग हिट की। बट बिहाइंड द लॉजिक क्या है वो तो किम तहान ही जाने, बट हमें क्या, हमें तो देखने को मिल गया ना, फाइनली हमें ये पता चल गया कि वी का सिग्नेचर डांसिंग पोज जो है वो कहाँ से इंस्पायर है एंड उनका नाम क्या है। एनीवे आपको ये वीडियो कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताना एंड अपना ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून
एंड मैंने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, बाय बाय।